Hello students, this is the online platform of Handikunga School Kharkal, and today we will start the 7th chapter, Glimpses of India. It means Bharat ki jhalak, and this video is for class 10th CBSE. Okay, and the Glimpses of India has three parts of it. These are Abhyankar from Goa, second is the Kurg, and third is T from Assam. Okay students, and first of all I will start Abhyankar from Goa today. Abhyankar from Goa. Our elders, okay, Abhyankar from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important places in society, in its society. यहाँ पे परंपरागत गोवा गांव का चित्रण किया गया है, जिसमें बेकर जो है यानी कि पाव बनाने वाले जो होते हैं गोवा के, जो पाव भाजी बनाते हैं यानी कि पाव बनाते हैं, डबल रोटी कह सकते हैं हम, तो उनकी डबल रोटी बनाने वालों का अपने समाज में एक विशेष प्रकार का महत्व है. आर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज. रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है पास्ट के बारे में सोचते हुए खुश होना, ठीक है, पुराने दिनों के बारे में सोचना कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो प्राय पुराने दिनों के बारे में, जो उन्होंने अपने अच्छे दिन यानी कि अपने पुर्तगाली दिनों के बारे में वो याद करते हैं और याद कर खुश होते हैं. द पोर्टुगीज एंड फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, उन पुर्तगालियों के बारे में और साथ में अपने फेमस डबल रोटी के बारे में, पाव रोटी के बारे में. दोज ईटर्स ऑफ लॉज माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, कि उन पाव बनाने वालों यानी कि जो पाव बनाने वाले हैं, जो गोवा के अंदर पाव बनाने का काम करते हैं, शायद पाव खाने वाले समाप्त हो गए हों यानी कि नहीं रहे हों, लेकिन पाव बनाने वाले आज भी गोवा में आपको मिलेंगे. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. और हमारे बीच में मिक्स करने वाले, उनको ढालने वाले यानी कि सांचे में ढालने वाले, और उन डबल रोटी को बेक करने वाले, बेकिंग करने वाले लोग आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं. Those age old time tested furnaces still exist. और आज भी पुराने जमाने की जांची परखी हुई जो भट्टियां हैं वो आज भी गोवा के अंदर मौजूद हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्स्ड, और आज भी उन भट्टियों की जो आग है वो नहीं बुझी है, आज भी उन भट्टियों की आग जल रही है, मतलब पाव बनाने वाले लोग आज भी पाव बनाने में लगे हुए हैं. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बंबू हेराल्डिंग द हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस. और जो बेकर होते हैं, उन बेकर के जो बंबू, जो बांस होते हैं, उसकी थर्ड और धम धम की जो आवाज़ है यानी जिंगल की जो आवाज़ है, झनझन करने की और धम धम करने की जो आवाज़ें हैं, उसकी आवाज़ को सुबह आने की सूचना के रूप में सुना जा सकता है. यानी कि जैसे ही थर्ड और धम धम की आवाज़ सुनाई देती है, वैसे ही ऐसा लगता है कि बेकर बनाने यानी कि बेकर जो पाव बनाने वाले लोग हैं वो आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. हो सकता है कि उनको यानी कि उनके जो फादर हैं वो आज जीवित नहीं हैं,
किंतु बेटा आज भी अपने परिवार के व्यवसाय को बढ़ाने में आगे लगा हुआ है, रोजगार को बढ़ाने में आगे लगा हुआ है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोज एज पेडर इन गोवा, और पाव बनाने वाले इन लोगों को गोवा के अंदर आज भी पेडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पेडर के नाम से उनको जाना जाता है। ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा, और हमारे बचपन के दौरान गोवा के अंदर द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड, ये पाव बनाने वाले लोग हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन हमारे साथी हुआ करते थे एंड गाइड, और हमारे जो गाइडेंस करने वाले हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ये दिन में कम से कम दो बार जरूर आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज हूज बास्केट। एक बार तो ये सुबह के समय आते थे, सुबह के समय जब ये कुछ बेचने के लिए रवाना होते थे, और एक बार फिर जब शाम को अपनी टोकरी खाली कर कर ये वापस ले जाते थे, तो ये दो बार दिखाई देते थे। द जिंगल थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अप फ्रॉम स्लीप, और इनके जो झनझन और थड़ की जो आवाज़ें इनके बांस से हुआ करती थी, बांस यानी कि बम्बू जो हुआ करता था, उसके कारण हमारी नींद में प्रॉब्लम होती थी, यानी कि हम जाग जाते थे। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उससे मिलने के लिए उसके पास दौड़ कर जाते और उसका अभिवादन करते कि पाव बनाने वाला आ गया। वाई वाज इट सो, किंतु ऐसा क्यों? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या ये हमारा उस पाव के प्रति, उस डबल रोटी के प्रति कोई प्रेम था? नॉट एट ऑल, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लॉज वर ब्रॉट बाई सम पैस्किन और बास्टिन, क्योंकि जो डबल रोटी लाती थी हमारे घर की नौकरानी, हमारे घर की जो पास्किन हुआ करती थी वो लेकर आती थी। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी कि घर की नौकरानी, कौन? घर की नौकरानी लेकर आती थी। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, और हमें जो ब्रेड बैंगल्स की इच्छा होती थी, किसकी? ब्रेड बैंगल्स की इच्छा होती थी, इस तरीके के पाव के आकार में एक आता था जो चूड़ी के आकार का होता था, इस तरीके का, वो भी खाने का एक बैंगल टाइप में होता था, यानी कि ब्रेड होता था, ब्रेड बैंगल बोलते थे उसको। हम बड़ी सावधानी से उसको चूज़ करते। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार तो खास तरीके की बनी मीठी ब्रेड होती थी, यानी कि मीठी ब्रेड बनाई जाती थी, स्वीट ब्रेड बनाई जाती थी, ठीक है। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, और बेकर जो थे अपनी म्यूजिकल एंट्री के साथ वो आते थे, और अपनी बांस से बनी जो छड़ी होती थी उससे झंग झंग की आवाज़ से ये म्यूजिकल एंट्री उनकी होती थी, मतलब एक म्यूजिक जो बनता था उनके बांस से बनता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, वो अपने एक हाथ से अपनी टोकरी जो सिर पर रखी होती थी उसको पकड़ते थे, और दूसरा जो हाथ होता था जो ज़मीन पर बांस गाड़ दिया जाता था उसको सपोर्ट करने के लिए होता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, वह जो घर की मालकिन हुआ करती थी, घर की मालकिन का स्वागत गुड मॉर्निंग कहकर करता था, और अपनी टोकरी को वो सीधा खड़े बांस पर वर्टिकल बम्बू के ऊपर लटका देता था। वी कुड किड्स वुड बी पुस्ट असाइड विद ए माइल्ड रिव्यूक एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और हम जो बच्चे हुआ करते थे
उसको डांट फटकार के साथ एक ओर धकेल दिया जाता था, और जो घर की नौकरानी यानी कि नौकर हुआ करते थे उन नौकरों को डबल रोटी दे दी जाती थी, यानी कि वो ले जाते घर पर फिर डिलीवर करते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, किंतु हम इस बात के लिए बिल्कुल भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच ऑन द पारापेट, पारापेट का मतलब होता है जो मुंडेर होती है छत की, एंड पीप इन टू द बास्केट, और हम या तो किसी बेंच पर चढ़ जाते या फिर हम किसी मुंडेर पर चढ़ जाते और वहाँ से टोकरी में झांकने की कोशिश करते। समहाउ किसी प्रकार से आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉज, और मुझे अब भी उन पाव रोटियों की खुशबू की याद आती है। लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि डबल रोटी तो बड़ों के लिए होती थी और जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो बच्चों के लिए हुआ करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली, हमने कभी भी अपने दांतों को सही तरीके से साफ करने पर और अपने मुंह को सही तरीके से धोने पर कभी ध्यान नहीं दिया। एंड वाई शुड वी, और हम ब्रश करें भी तो क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल और पिकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन इस बात की तकलीफ़ उठाए कि आम की जो डंडी है यानी कि आम की जो पत्तियां हैं उनको कौन तोड़े, इस बात की तकलीफ़ हम क्यों करते। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्या ये सब कुछ ज़रूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, क्योंकि एक टाइगर ने तो कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं किया। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और आखिरकार जब हम गर्म चाय पीते थे तो मुंह अपने आप ही साफ हो जाता था। बड़े कमाल की बात है ना, इस तरीके से अगर मुंह साफ होने लग गए तो। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, और शादी के जो गिफ्ट हुआ करते थे अगर उसमें बॉल नामक अगर कोई खाने की डिश नहीं हो तो खाने यानी कि स्वीट ब्रेड एक मीठा ब्रेड हुआ करता था बॉल, अगर उसमें बॉल नहीं हो तो उसके बिना शादी के उपहार का कोई महत्व नहीं होता था। जस्ट एज पार्टी और फेस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, और यदि पार्टी या किसी दावत की बात की जाए तो अगर उसमें ब्रेड नहीं हो तो ब्रेड के बिना उस दावत पार्टी का मज़ा अधूरा था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, और यह कहना वास्तव में पर्याप्त नहीं था, नॉट इनफ पर्याप्त नहीं था कि बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और घर की जो महिला होती थी अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच बनाने होते थे, क्या बनाती थी, सैंडविच बनाने होते थे उनको। केक्स एंड बोलिन हास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, केक और बोलिन हास हुआ जो केक और बोलिन हास जो थे वो भी फेवरेट डिश थी, अगर यानी कि जो क्रिसमस हुआ करता था दूसरे जो त्यौहार हुआ करते थे उन त्यौहारों के ऊपर इन डिश का होना ज़रूरी होता था। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, और इस तरह गांव में बेकर की भट्टी जो होती थी, गांव में बेकर की भट्टी होना वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यक था, यानी कि उसके बिना ये सब कुछ अधूरा था, उसके बिना शायद इस तरीके की दावत भी अधूरी थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलियर ड्रेस नॉन एज द कबाई, और उस समय के बेकर यानी कि ब्रेड बेचने वाले डबल रोटी बेचने वाले जो लोग हुआ करते थे वो एक खास प्रकार की एक अजीब तरीके की ड्रेस पहना करते थे जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यह घुटनों तक पहुंचने वाली एक लंबी फ्रॉक के समान होता था। इन आर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स,
which were shorter than full length one and longer than half pants. और अपने बचपन के दिनों में जब हम बेकर को देखते थे तो वो कमीज और पैंट जो पूरी लंबाई से थोड़ी छोटी हुआ करती थी और हाफ पैंट जो थोड़ी लंबी हुआ करती थी वो पहना करते थे, मतलब कैपरी टाइप में, तो उनका यानी कि जो पैंट है वो लगा लो और साथ में जो कमीज है थोड़ी लंबी लगा लो. इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर. और आज भी यदि कोई घुटनों से नीचे तक की हाफ पैंट पहनता है तो उसे यही सुनने को मिलता था, यानी कि यही उसको इसी तरीके से इनवाइट किया जाता था कि वह पैटर जैसी कोई ड्रेस पहने हुए है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ. और जो बेकर हुआ करते थे प्राय यूजुअली वो अपने बिल महीने के अंत में वसूलते थे, इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. और महीने के हिसाब पेंसिल से दीवार के ऊपर लिख दिया जाता था. बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज. और उन पुराने दिनों में वास्तव में जो पाव बनाने का काम हुआ करता था, बेकिंग का काम हुआ करता था, वास्तव में वो लाभ देने वाला रोजगार था, उससे लाभ ही प्राप्त होता था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. और बेकर यानी कि ब्रेड रोटी बनाने वाले और उसका जो परिवार होता था उन्हें कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आती थी. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. वह उसका परिवार और उसके जो नौकर थे वो हमेशा खुश दिखाई देते थे और समृद्धशाली दिखाई देते थे, मतलब हमेशा खुश और समृद्धशाली दिखाई देते थे, प्रॉस्पेरस दिखाई देते थे, मतलब किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी. देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. और उनका जो प्लम्प फिजिक था यानी कि अच्छा खासा जो शरीर था, प्लेजेंटली फैट बॉडी, मोटा ताजा जो शरीर था वो इसका एक खुला प्रमाण था, ओपन टेस्टिमनी था, यानी कि ये प्रूफ है इस बात का कि वास्तव में वो खुश और बड़े समृद्धशाली इंसान थे. इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस. जैक फ्रूट का मीन्स होता है कटहल. तो इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर. और आज भी अगर किसी को कटहल जैसी फिजिकल अपीयरेंस में देखा जाता है तो उसकी तुलना आसानी से एक बेकर से की जा सकती है. किससे की जा सकती है? एक बेकर से की जा सकती है. स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, इसके टू पार्ट्स बच चुके हैं और उन टू पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. साथ में ही टाइम पर अपना वर्क करते रहें, बिल्कुल भी ढील ना दें. ग्रामर में जो टॉपिक करा दिए हैं आपको उसकी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस आप समय समय पर करते रहें. टाइम टू टाइम अपना एक टाइम शेड्यूल बना लें और उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को आप कंप्लीट करते रहें, क्योंकि एट लास्ट आप सोचो कि एग्ज़ाम आएंगे तो ही हम तैयारी करेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है उस स्थिति में. और रिवीजन के लिए भी फिर आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने समय पर अड़िग रहेगी, वो किसी तरीके की ढील आपको नहीं देगी. अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को पॉजिटिवली लेते हो या फिर आप उसको इग्नोर करते हो. ओके स्टूडेंट, तो आप इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए
और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप कीजिए. ओके, थैंक्स स्टूडेंट.